class 9, a very good afternoon to you. I'm your Nandini ma'am, and we are going to do exercise 6.2, question number 5. So let's start. It's in the question that AB is parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degrees, and angle PRD is 127 degrees. I have to find X and Y, right? So now tell me, how did you find out? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I told you that X is equal to... Is equal to 127 degrees. What is equal to 127 degree? X plus Y. X plus Y. Okay, and the reason will be? Exterior angle property or exterior angle property or identity angles. 50 plus Y is equal to 127 degree. Although, identity angles. So yes. देखो यहाँ पे I don't मैं यहाँ पे थोड़ा सा correct करना चाहूँगी. देखो ये तो ठीक है कि इट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, पर बेटा अभी वी नो, ठीक है, अभी हमें पता है कि वी आर डूइंग 6.2 और हमने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नहीं किया है, ठीक है, वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो हम ये प्रॉपर्टी अभी यूज नहीं कर सकते, बट एग्जाम में आप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इट विल नॉट बी मेंशन ये एक्सरसाइज 6.2 से है, ये एक्सरसाइज 6.1 से है, तो देन इट वॉन्ट बी मेकिंग अ डिफरेंस. तो अभी हमें जो इसको सॉल्व करना है दैट विल बी यूजिंग द ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी, ठीक है. तो यहाँ पे एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है. ए पी क्यू क्या है राघव, व्हाट इज ए पी क्यू? यस बेटा, और एंगल पी क्यू आर क्या है? एक्स. तो हमारा एक्स आ गया डिग्री, राइट. और रीजन, अरे रीजन नहीं लिखा, राइट, तो रीजन लिखना बहुत जरूरी है. तो इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी. हाफ मार्क कट जाता है, यस, हाफ मार्क कट जाता है, तो इसलिए बेटर है कि हम वो रीजन लिख ही दें, राइट. अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी. अब इस केस में देखो क्या है, अब देखो ध्यान से देखना, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, एम आई राइट? यस बेटा. एंगल ए पी आर क्या है बेटा? एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू एंगल पी आर डी. इज दैट क्लियर? तो रीजन हम लिख लेते हैं, सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं ये, and which are supposed to be equal in nature. So angle APQ क्या है? 50 degree. This is angle Y and PRD is given to be 127 degrees. Okay, so therefore Y जो है that will be 127 degree minus 50 degrees. So बेटा Y की value क्या आएगी बेटा जी? 77. ठीक है जी. So I think we have found out X is equal to 50 degrees. And y is equal to 77 degrees. So this is our answer. Yes, clear?